हाँ ओवर बी एंड सी साइन सी ऑफ बीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? साइन का फॉर्मूला और होता है, साइन में हमारे पास बीटा नहीं रहेगा, एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस और ओवर एसी ए सी। और कोस गैमा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? दरअसल एस इनटू एस में वैकम मैंने पहले चलाई नहीं है, मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग सीखी थी भाई से ना, मेरा भाई डिजाइनर है, वैकम तो मेरे कोई पास बात नहीं, समय लग रही बड़ी है। बड़ी मतलब पड़ी हुई है मेरे पास, अब सामने भी वही है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस पे तो मजीद होता रहेगा क्लैरिफाई। ठीक है सर, समय लग रही है। एस इंटू एस माइनस सी सी ओवर सी ए बी। अब देखिए हमारे पास इसको भी 4 आर ही रहने दें, वो एट द एंड हम देख लेंगे। ऊपर क्या बन गया हमारे पास सबका? एस माइनस ए आर है, एस माइनस ए आर है, एस माइनस सी है, एस माइनस सी है, एस है, एस है, इसका मतलब एस का स्क्वायर स्क्वायर इनटू इन एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर और एस इनटू माइनस सी का स्क्वायर। सर एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ओवर में हमारे माइनस ए का स्क्वायर तो नहीं आएगा। अच्छा लगी लगी, एस ठीक है माइनस सर। ए तो ये देखे ना, दोनों है एस माइनस वो सी। इस तरह लग रहा था, हाँ इस तरह लग रहा था कटा हुआ है जिस तरह। हाँ बी, अब नीचे देखें, ए का स्क्वायर भी बन जाएगा, बी का स्क्वायर भी और सी का स्क्वायर भी। नीचे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इसको ठीक हो गया। अब ऊपर तो ये सारी कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी? ऊपर टर्म हमारे पास रह जाएगी, इधर से हम लिख लेते हैं अब 4 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर टर्म ये हमारे पास सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर टर्म रह जाएगी हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए बी एंड सी। ए बी सी किससे कैंसिल हो गया? इस ए बी सी से। ऊपर टर्म हमारे पास रहेगी एस एस माइनस ए एस माइनस सी। ऊपर टर्म में हमारे पास किस चीज की कमी है? S-B. एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस बी की जो हीरो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमने एस माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी, एस माइनस बी। ऊपर क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास? डेल्टा स्क्वायर। शाबाश, ऊपर बन गया हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर ओवर डेल्टा एस माइनस बी। एक डेल्टा कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर एस माइनस बी रह गया। ये किसके बराबर होता है? R2 के बराबर। यही चीज हमने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्लियर हो गया सबको? यस सर, ठीक यस हो गया। सर। मुश्किल तो नहीं था? जस्ट नो सर, फॉर्मूला पुट करने नो हैं। सर। कर दूं इसको रेज? चलिए एक बार फिर समझा देंगे। बहुत अच्छे भाई, जब मैंने पूरा डिलीट कर दिया कहता एक बार फिर समझा दे। कौन है? पागल है ये, पागल है, चले अगले सवाल में समझा देंगे। पागल अगला सवाल भी इसी तरह का ही है। है। ओके सर, अगले सवाल में फिर इंशाल्लाह समझ लग जाएगी ये ज्यादा ना। मैं तो आपका दोस्त हूँ। अच्छा अभी ये देखें, अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? R3 हमने प्रूव करना है, R3 के बराबर प्रूव करना है इस राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में उसी तरह हमारे पास क्या आ रहा है? 4R, R वैसे ही रहेगा। कलर ठीक है ये, या कलर और चेंज कर लूं?
ठीक है सर। ग्रीन मेरा फेवरेट है ना, इसलिए मैंने ग्रीन कर लिया। कोज अल्फा का हमारे पास क्या बनेगा? कोज अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर ओवर बी सी। नेक्स्ट हमारे पास कोज बीटा का क्या बनेगा? एस इंटू माइनस सर इसमें s इनटू नहीं आएगा, सिर्फ s माइनस b आएगा। किसमें सर? ये साइन के फार्मूला में आपने s लिखा है ना, ये ब्रैकेट के बाहर ये नहीं आएगा। साइन के फार्मूला में वो ये cos क्या है? ये देखिए, ये cos अल्फा का फार्मूला होता है हमारे पास, ये cos बीटा का। साइन का जब लगाएंगे तब नहीं आएगा। तो सर वही ना आप कर रहे हैं, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। ओके ओके, थर्ड पार्ट। ये देखो थर्ड, ये तो कर लिया हमने, ये प्रूव हो गया हमारे पास, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सॉरी सर। इस्लामाबाद में कोई ठंडी हवाएं तो नहीं ज्यादा चल रही सर? इसको ज्यादा मैथ आ रहा है, इसको ज्यादा मैथ आ रहा है। हां ये सर वाकई ज्यादा मैथ आ रहा है। वहां उन्होंने किया ऐसे सर, मौसम यहां पे बहुत ठंडा है। साइन गामा / 2 का हमारे पास क्या बनेगा? s - गामा s - a आएगा, s - b, s - b over ab, ab। अब देखिए ऊपर कौन सी टर्म का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास? s भी 2 है, s - a भी 2 है, s - b भी। इसका मतलब s स्क्वायर बन गया, s - a होल का स्क्वायर बन गया, s - b होल का स्क्वायर बन गया ओवर उसी तरह a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सब का अंडर रूट इधर 4r। नेक्स्ट स्टेप में 4 इनटू a b c ओवर 4 डेल्टा, 4 डेल्टा ऊपर हमारे पास बन जाएगा s, s सिंपल s बनेगा, इधर स्क्वायर नहीं है इसका ना। s s - s - b एंड s - b b ओवर a b c, a b c a b c कैंसिल, 4 4 4 4। अब ऊपर हमारे पास टर्म कौन सी है? s into s minus s minus a s minus b s minus c की कमी है, उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये डेल्टा और साथ क्या आ गया s minus c। इस टर्म में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा? डेल्टा। ये शोर आ रहा है, ये सर अवकाश माइक ऑफ कर दें सभी अपने। अच्छा अभी डेल्टा स्क्वायर ओवर s - c, डेल्टा एक डेल्टा से कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर s - c हमारे पास किसके बराबर होता है? r3 के बराबर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया सबको? यस सर हो गया। यस सर किसने दोबारा? यस सर हो गया क्लियर। रिपीट तो नहीं करवाना सर? लाल से पूछने पहले कह रहा था, वही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा रिपीट तो नहीं करना। नो सर। ओके डन हो गया। नेक्स्ट, हाँ भी जिसके पास बुक है वो बताए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से। क्वेश्चन नंबर 5 5 2 3 नंबर 5 पार्ट 2 पार्ट 3 और 2 एंड 3 दोनों तो नहीं है? नहीं सर पार्ट 3 और 4 है। पार्ट 2 और 3 और 4 है। 2 और 4 है। 4 है सर। थर्ड एंड फोर्थ सर देखिए आज उसे एफ नहीं है, आज आपको कितनी मुश्किल हो रही है। हां सर एक मिनट ठहरे, मैं सिलेबस खोलता हूं, एक मिनट ठहरे मैं खोलता हूं सर। पार्ट 3 और 4 है सर। चलो ठीक है पार्ट 3 और 4 करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के ना रिस्पेक्ट ये पार्ट 2 और 4 है कोई नहीं जो सिलेबस में लिखा हुआ टू अब देखिए इसमें करना क्या है हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आएगा ये वाला ना और ये वाले जो क्वेश्चन था ना ये वाले स्पेशली थर्ड वाला जो था ना ये बहुत ही मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन था ये लॉन्ग क्वेश्चन में हर मरतबा पेपर में आता था ये वाला क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर टू में कहता है आर इंटू आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ठीक है हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे वैल्यू पुट कैसे करनी है सिंपली उसी तरह ये देखिए आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस आर वन की डेल्टा ओवर एस माइनस ए डेल्टा ओवर एस माइनस बी आर थ्री के डेल्टा ओवर एस माइनस सी ऊपर कितने डेल्टा हो गए एक दो तीन चार तो डेल्टा की पावर फोर नीचे क्या बन गया डेल्टा स्क्वायर नहीं बनेगा नीचे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी नीचे डेल्टा स्क्वायर बन गया ये डेल्टा की पावर दो yes, आंसर क्या आ जाएगा डेल्टा ठीक हो गया अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है ये तो उसने बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए सर ऊपर करें एक मिनट जी जी इधर जी हाफिज साहब मैं लिख रहा हूँ हाफिज साहब ठीक है नोट कर सर नेक्स्ट बहुत आ रहा था जी आप साहब इजाजत है आगे जाएं यस क्योंकि हाफ साहब की इजाजत लेके चलना चाहिए ना माशाल्लाह हाफ से कुरान में थैंक यू सर अच्छा अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू आर एस स्क्वायर इसके बराबर हमने प्रूफ करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है राइट हैंड साइड के बराबर हमने इक्वल प्रूफ कर देना है हम देखते हैं आगे अब्दुल्ला लाइने क्यों लगा रहे हो अच्छा भी इसमें देखते हैं हमारे पास आर वन की वैल्यू आर टू की वैल्यू आर थ्री की वैल्यू ऊपर बन गया हमारे पास डेल्टा और नीचे हमारे पास बन गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी शाहजेब अपना माइक ऑफ कर लो भी ठीक हो गया अब नीचे हमारे पास किस चीज की कमी है एस की कमी है हमने एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस से डिवाइड भी कर दिया क्योंकि क्योंकि नीचे हमारे पास क्या पोर्शन बन जाना था ये सारा पोर्शन बन जाना था डेल्टा स्क्वायर जब ये कैंसिल होगा ये एक रह जाएगा ऊपर डेल्टा तो एस डेल्टा हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में उसने ये दिया है उसने आर एस स्क्वायर तो हम डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है डेल्टा की वैल्यू हमारे पास होती है या इसने उस मोटरसाइकिल किसकी है सर ये ना आवाज फहद के माइक से आ रही है तो हाफस के अच्छा भी ये देखिए हमारे पास आ गया एस डेल्टा अब हमने बनाना क्या है एस स्क्वायर बनाना है एस स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया उसको एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया एस से डिवाइड भी कर दिया ठीक है अब ये क्या चीज बन गई ये वैल्यू किसकी होती है
r किसके बराबर होते हैं? r बराबर होता है डेल्टा ओवर s, डेल्टा ओवर s के साथ। हाँ, तो हमने ये चीज बनानी थी, ये चीज बनाने के लिए हमारे पास डेल्टा तो था उधर, लेकिन उसके नीचे s नहीं था, हमने s से मल्टीप्लाई भी कर दिया और s से डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया s स्क्वायर और ये एक s नीचे आ गया, ये बन गया s स्क्वायर और r, उसको अरेंजमेंट करके लिख लिया हमने r s स्क्वायर, यही हमने चीज प्रूव करनी थी। ठीक हो गया, अभी क्लियर है सबको? Yes, I'm clear. Yes. Yes, sir. ठीक है सर, दोबारा बताना एक दफा सर। सिंपल, हमने वैल्यू पुट की है उनकी। लास्ट स्टेप सर जी, लास्ट स्टेप में हमने देखना था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, आर एस स्क्वायर। लास्ट के स्टार्ट से वो जहाँ पे एस डेल्टा क्यूब, ये है ना एस डेल्टा, यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से। हाँ जी, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो गया एक डेल्टा क्यूब से, एक डेल्टा रह गया ऊपर, ऊपर आंसर बन गया एस डेल्टा। एस डेल्टा आंसर बन गया जब हमारे पास, तो हमने देखा कि हमारा आंसर तो इधर हमने बनाना था आर एस स्क्वायर, लेकिन इधर एस डेल्टा है। हमने देखा कि इधर आर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको एस से डिवाइड भी कर दिया और एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एस एस से मल्टीप्लाई होकर एस स्क्वायर बन गया। ये डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो ये आर के बराबर आ गया और ये एस स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया आर एस स्क्वायर। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले दो पार्ट सर। किसके? क्वेश्चन नंबर 6 के पहले दो पार्ट। पहले दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के। ओके, तो पूरा ही है सर क्वेश्चन नंबर 6। वही क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ही, शहादतें एक ही आई है अभी तक, शहादतें अभी और नहीं आई। नहीं सर, मेरे पास पढ़ा हुआ है। यस सर, पूरा ही है, पूरा ही है सर, कंप्लीट ही है, दोनों ही बात है, पूरा ही है सर। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों पूरे हैं, बाकी शहादतें भी आ गई। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब देखिए जी, वो कह रहा है आर मालूम करना है, हमें सबको पता है कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर की वैल्यू होती है हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर बराबर ए बी सी ओवर फोर डेल्टा डेल्टा। इसका मतलब ये हमने चीजें, हमारे पास तो तीन चीजें उसने गिवन की हुई है, थ्री साइड्स गिवन की हुई है। इसी तरह आर की वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा ओवर एस, आर वन की वैल्यू हमारे पास होगी डेल्टा ओवर एस माइनस ए, इसी तरह आर टू की वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस बी, आर थ्री की वैल्यू होगी डेल्टा ओवर एस माइनस सी। अब ये सभी फार्मूलाज हमने फाइंड आउट करने हैं, ये उसने लिखा हुआ है, फाइंड ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, तीनों की थी, चारों की चारों, बल्कि पांच है मेरे ख्याल में, एक दो तीन चार पांच, पांच वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और तीन साइड उसने गिवन की हुई है। अगर हमारे पास तीन साइड, हमारे पास एस एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये नीचे लिखा हुआ है, तीनों को जमा करके हमने टू पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 21। 21 में से हम ये निकाल देंगे एस माइनस ए फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इधर हमारे पास आंसर बन जाएगा, एस माइनस ए भी आ गया, एस माइनस बी भी आ गया, उसी तरह एस की वैल्यू आ गई ना, जब हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास थी 13, बी की वैल्यू थी हमारे पास 14, उसमें से एस में से माइनस कर दिया, सी की वैल्यू थी हमारे पास 15, एस में से माइनस कर दिया। हीरोज फार्मूला हमारे पास क्या था, हीरोज फार्मूला था हमारे पास डेल्टा इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो उसमें एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 21, हमने उसमें पुट कर दी 21। एस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8 पुट कर दिया, एस माइनस बी की वैल्यू क्या थी 7 पुट कर दिया, एस माइनस सी की वैल्यू थी 6 पुट कर दिया। इनको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 84 आंसर आ गया। अब देखें हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 84, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू है 21, एस माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास
एट, एस माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास सेवन, एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है सिक्स. अब ये फॉर्मूलाज हैं, इनमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तेरह चौदह पंद्रह पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय फोर इंटू एटी फोर. इसका मतलब ये बन जाएगा तेरह जरब चौदह जरब पंद्रह डिवाइडेड बाय फोर इंटू एटी फोर. ये ले जी, इनको सॉल्व करेंगे, इधर से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 84, एस की वैल्यू कितनी है 21, 21 फोर जार 84, फोर आंसर आ गया किसका, आर का. जब आर टू फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस, सॉरी आर वन फाइंड आउट करते हैं पहले, डेल्टा ओवर एस माइनस ए. ए डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 84, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, 21 माइनस 8. हाँ तो ये तकसीम नहीं होता, ये तकसीम नहीं होता, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये बन जाएगा 42, ये बन जाएगा और ये 4, ये बन जाएगा 21, 21 और ये ओवर 2, 21 ओवर 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास आर1 का. फिर इसके बाद जब हम करेंगे आर2 को, आर2 फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा की वैल्यू 84, एस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माना सात बार आर टू बारह. लास्ट पे हमारे पास रह गया आर थ्री, आर थ्री हमारे पास क्या होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 84, एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है, कैंसिलेशन होती है 40, 42, 2, 3, 40, 40 आंसर, 42 ओवर 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, ये शाज़िब के माइक से शोर बहुत आ रहा है. क्या हुआ शाज़िब के माइक से शोर बहुत आ रहा है, आपकी आवाज शफल हो रही है. अच्छा वो बता रहा था ना कि 14, चलें उसका माइक मैं बंद ही कर देते हैं. ठीक हो गया, अभी इधर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो समय पूछ लो. हाफिज साहब मंथली टेस्ट में क्या आएगा? हेलो सर, मंथली टेस्ट में क्या सिलेबस होगा? चलो इसको मंथली टेस्ट की बात इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसका सिलेबस, फिर हम डिसाइड करेंगे. इसको टेस्ट भी पढ़ेंगे होने हैं सर? हाँ हो जाएंगे, अगर हुए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसका ना सर. 12वां चैप्टर पूरा रख ले यार, इसको चुप करवाओ. चुप हो जा तेरी मेहरबान. हां पता है खामोश हो जाए. चल अभी सर 9वां 10वां रख लेना. यस सर 9वां 10वां रख ले. अरे ये फहद नसीर और ये 7-12वां भी रख लेना. 12वां ठीक है सर. सर फहद नसीर और पूरी बुक का रख ले. सर पूरी बुक का रख ले, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे. हां बताओ आपने किन चक्रों में डाल दिया. हाफिज साहब को कहिएगा छुट्टी ना कीजिएगा. हाफिज साहब ने उस दिन छुट्टी कर दी है, बाकी सबको कह दिया. मैं आया था सर वो आगे तुमने दिया था, बाकी मैं आया था, उस दिन टेस्ट कैंसिल हो गया था इस वजह से. सर ये कल लास्ट पे आया क्लास में, कहता मैं सोया उठा था. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. अगला क्वेश्चन कौन सा है? अब इस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्वेश्चन छोड़ दिया ना पहला और तीसरा, वो हमेशा लॉन्ग में आते थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते थे. एक वो वाले, एक लास्ट में आने आगे स्मॉल आर रेशियो, रेशियो वाले आते हैं इसमें ना आगे. सर वो नहीं लगी दादा, अगला ही सवाल है. वो अगला सवाल है, सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है. ये है 7 क्वेश्चन? यस सर दोनों. यस सर ये पूरा है सर, दोनों पार्ट. अच्छा इसमें हम ना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसका पार्ट इधर उसने लिखा है डू योर सेल्फ, क्योंकि इसमें ये देखें R, R, capital R, R1 equal to 1, 2, 3. ये देखे, पहले तीन ही से देखने आपने. R, capital R,
आर वन किसके बराबर आ रहा है इधर, वन टू एंड थ्री के बराबर, मतलब हम इन शॉर्ट के दूसरे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं क्योंकि टाइम 8 मिनट रह गए हैं बाकी। सर आप ले लीजिए लेक्चर, आगे बहुत लेट स्टार्ट होता है। हाँ ठीक हो गया यार, लेकिन वो लिंक दोबारा सेंड करना पड़ेगा आपको। नहीं 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 वो नेक्स्ट मेरी इसके बाद फिर क्लास है दोबारा। क्यों सर? फिजिक्स नेक्स्ट, इसके बाद फौरन मेरी क्लास है। अच्छा अच्छा आपकी मतलब फर्स्ट ईयर की है? सेकंड ईयर की यार आफत साहब। अच्छा, पागल हो गए सर, सवाल कराएं सर। जी जी ये देखिए मैं इनके माइक बंद कर। अच्छा बस भाई बस भाई बस भाई बस भाई और ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं डिफिकल्ट कोई नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसने इधर क्वेश्चन में ना पीछे बोला हुआ है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? सर तीनों साइड्स जिसकी सेम हो। तीनों साइड्स सर। स्केल कौन सी होती है? तीनों साइड और तीनों एंगल सेम हो। तीनों एंगल सेम हो। थ्री एंगल सेम। दो एंगल और एक साइड सेम हो। स्केलन स्केलन सर उसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती सर, कोई ना। नहीं वो सर ओब्लिक होती है सर, उसका एक 90 का एंगल होता है, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना सर। किसी को भी नहीं पता, बता दें। स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती। सर मैंने बोला ये, मैंने भी यही कहा था। चलें जी आपने सही कहा था। अच्छा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब इसमें ए बी एंड सी इक्वल होंगे जब हम एस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इनकी वैल्यू तो हमें पता है, इनकी वैल्यू तो हमें पता है डेल्टा ओवर एस होती है, लेकिन मसला इधर ये है कि इनकी वैल्यू अब हमारे पास हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के मुताबिक रखनी है। अब एस की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो बन जाएगा ए बी, ए प्लस बी प्लस सी को जमा करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए ए। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है इसमें ए रख। अगर कोई कहता है मैंने बी रखना है सर, वो बी बी रख सकता है। कि कोई कहता है मेरा सी रखना, मेरा सी से नाम स्टार्ट होता है तो सी भी रख सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। हमने जनरली पहले वाला नंबर ले लेते हैं नॉर्मली ना, तो जब इसको हम इसका आंसर क्या बन गया, थ्री ए ओवर टू टू। जब हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इसी तरह, जब हमें आर वन में किसकी वैल्यू चाहिए, एस माइनस ए की वैल्यू चाहिए, एस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ये देखें, थ्री ए, क्योंकि एस में से हम करना ना, ऐसा हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है। अब लो सर इसमें से ये जब माइनस करेंगे इनमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, थ्री बाई टू माइनस वन, इनका एलसीएम जब लेंगे एलसीएम क्या आ गया टू, थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास एस माइनस ए का मतलब क्या है कोई बता सकते सर? इसका मतलब ये इक्वल टू डेल्टा एस माइनस आर वन, एस माइनस सी भी जो होगा ना वो तीनों की तीनों वैल्यू यही आएंगी। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि तीनों आपस में क्या है, इक्विलेटरल है। इसका मतलब एस माइनस बी का आंसर भी यही आएगा वन बाई टू ए, एस माइनस सी का भी आंसर क्या आएगा वन बाई टू ए। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, अब ए की जगह उसने क्या पुट कर दिया, ए बी बी और सी, उनकी जगह क्या आ गया ए और ए, तो उनका क्या बन गया इधर क्यूब बन गया। अब क्यूब लेना है हमने एस माइनस ए का, एस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, उसने गिवन की हुई है वन बाई टू ए, वन ओवर टू ए, और ये किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू, ये जो हमने पहले फाइंड आउट की थी थ्री ए ओवर टू। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये बन जाएगा थ्री ए की पावर फोर, ये बन गया थ्री ए की पावर फोर, टू की पावर थ्री कितना बन जाएगा एट, ए टू जर 16, ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट थ्री ए टू ओवर फोर।
यस ठीक हो गया सर. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ओके, फिर उसके बाद हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. जो जो वैल्यूज हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है ना, वो सारी की सारी है. पांच की पांच वैल्यू है. पांच वैल्यू कैसे? एक स्मॉल आर, कैपिटल आर और हमारे पास आर वन आर टू आर थ्री. आर वन आर टू आर थ्री तीनों का आंसर क्या आएगा? डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी एंड डेल्टा ओवर एस माइनस सी. वो तीनों का आंसर सेम होगा. हाँ सेम होगा, तीनों का आंसर सेम होगा. इसीलिए आपने देखें कि इसमें हमारे पास तीनों का आंसर सेम है, थ्री थ्री थ्री, इसलिए उनका आंसर थ्री थ्री आर है. ठीक है ना सर? इसमें जो है वो राइट हैंड साइड को भी हम सिंपलीफाई करेंगे, वो देखना. ये हमने प्रूफ कर देनी है ना, राइट हैंड साइड बना देनी है उसकी. सिंपलीफाई नहीं करना, वो तो पहले सिंपलीफाइड फॉर्म में है. तो इसमें देख सर 12.4 डेल्टा ओवर एस, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो पुट कर दी, एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, उनको सिंपलीफाई किया, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया. सिंपलीफाई हमने क्या करना है, कुछ जो जो चीजें कटिंग हो रही है वो कटिंग कर देनी है. अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी? चांस है भी यार अपना माइक. ए बी सी, ए ए ए रख दिया उसकी जगह. डेल्टा की वैल्यू उसने गिवन हुई है पहले. तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, दो ए कैंसिल कर दिया उसने, ये वाला ए एक ये वाला. ऊपर क्या रह गया, ए फोर फोर से कैंसिल हो गया. तो हमारे पास टर्म क्या रहेगी, ए ओवर अंडर रूट थ्री. वो रोटी वाला सीन इधर भी इसने किया है कि उसकी वैल्यू प्रॉपर रखने के लिए ना, ऊपर हाफ रोटी और पूरी रोटी और नीचे फुल. करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर लें, अदरवाइज वैसे भी आप लिख सकते हैं इसको ना. तो नेक्स्ट जब हम रूम करेंगे एस माइनस ए के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों का तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, सेम वैल्यूज आएगी हमारे पास. वो सेम वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, उन वैल्यू को उसमें पुट कर दिया. पुट करने के बाद हमारे सर एक मिनट नीचे कीजिए, सर एक मिनट नीचे कीजिए. टाइम एक मिनट रह गया था इसलिए मैंने कह दिया था कि ये देखे ना, वैल्यू पुट करनी है उनको. वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, ओके ओके हाँ, अंडर रूट थ्री ए, अंडर रूट थ्री ए सब में कॉमन आ रहा है, उसे डिवाइड कर दिया. सिक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दिया. जब सिक्स से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला सिक्स खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, वन. दूसरे की जगह क्या आ जाएगा, टू. आगे तीनों टू टू है, वो सिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर भी थ्री आ जाएगा, इधर भी थ्री आ जाएगा, इधर भी थ्री आ जाएगा हमारे पास. यस सर. क्लियर हो गया?